और भाई लोग तो कैसे हैं। तो उल्लू ने इस बार गर्दा गर्दा कर दिया माए। मतलब भाई साहब जो सीरीज लेके आए हैं, जो सीरीज दिखाए, जो सीन दिखाए और जिस एक्ट्रेस का दिखाए हैं और जितना दिखाए, मतलब कितना बताएं कि कहाँ बताएं, भाई साहब बहुत एकदम बवाल कर दिए। मतलब एकदम उल्लू कह सकते हैं, अगर ऐसे ही सीरीज लाता रहा तो भाई उल्लू भी टॉप पे एक दिन आएगा। वैसे तो टॉप पे है ही, वो बात अलग है, लेकिन सीरीज के मामले में ये सीरीज एक नंबर की देखने को मिलने वाली है। इसमें आपको दो एक्ट्रेस पीहू सिंह और साथ में घोषियाल एक्ट्रेस ये नज़र आने वाली हैं। अगर सीरीज की एक सीक्वल की बात करें, स्टोरी लाइन की बात करें, कहानी रहेगी देवर भाभी और साथ में ननद वगैरह के साथ में रोमांस रिलेटेड आपको ये सीरीज इंजॉय करने को मिलने वाली है। दरअसल इसमें दिखाया जाएगा देवर भाभी के बीच में थोड़ी बहुत मस्ती, फिर उसके बाद इनके देवर जो होते हैं वो भाभी के साथ तो करना चाहते लेकिन कर नहीं पाते। इस पार्ट में इनके हस्बैंड के साथ ही रोमांस देखने को मिलने वाला है और भाई अलग अलग तरीके से होगा, जैसे चाइनीज वगैरह में बातें होंगी, डबल मीनिंग बातें देखने को मिलेगी, भरपूर मजा आने वाला है इस सीरीज। भाई पहली बार उल्लू की सीरीज कुछ है जो इतनी जल्दी पसंद आई है लोगों को। कुछ महीनों से तो उल्लू ऐसे ही सीरीजें रिलीज कर रहा था और नए एक्ट्रेस नहीं ला रहा था, और ये नए एक्टर से ज़्यादा चेहरा इनका देखने को नहीं मिला OTT में। कुछ वेब सीरीजें, दो तीन वेब सीरीजें रही है लेकिन वो चीज़ नहीं देखने को मिली जो इसमें रहा है। तीन एपिसोडों में तीनों रोमांस सीन जो दिखाए गए वो सिर्फ एक ही एक्ट्रेस के रहे हैं, वो यही रही है। और इनके रोमांस सीन तो भाई साहब क्या ही बोला जाए, मतलब एकदम गजब कर दिया भाई उल्लू वालों ने। मतलब इस बार उल्लू वालों ने सच में कह दिया कि हाँ, हम तुमको वो दिखाएंगे जो देखना चाहते हो। क्योंकि नए एक्ट्रेस उल्लू लाता जरूर था लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाता था नए एक्ट्रेस का जो लोग देखना पसंद कर रहे थे, लेकिन इस बार उल्लू ने वो दिखाया जो लोग सच में देखना पसंद कर रहे हैं। तो ये चीज़ उल्लू की तरफ से बहुत बेहतरीन हुई है और तीनों एपिसोडों में यही एक्ट्रेस का रोमांस देखने को मिलेगा। पीहू सिंह को हो सकता है अगले एपिसोडों में देखने को मिले, क्योंकि भाई वो भी है तो उनको भी थोड़ा बहुत फोकस देना पड़ेगा, लेकिन पार्ट वन में सारा फोकस इनके ऊपर रखा गया है जो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। फिलहाल मेरे को भी अच्छा लगा, पहली बार उल्लू ने कुछ अच्छा किया है। बाकी कुछ वेब सीरीजें रही जो उल्लू की बहुत बेकार रही, लोगों एक्ट्रेस आ तो रही थी एक्ट्रेस लेकिन उतनी दमदार अच्छी एक्ट्रेस नहीं आ रही थी, लेकिन इस बार जो एक्ट्रेस आई हैं वो भाई साहब काफ़ी पसंद आई हैं और अच्छी भी हैं। तो कह सकते हैं ये सीरीज एक बार आपको ट्राई करनी चाहिए। अगर आप कुछ तड़कता भड़कता देखना चाहते हैं तो एक बार ट्राई करना, मज़ा जरूर आएगा। हाँ, पहले तय कर लेना ये एक्ट्रेस तुमको पसंद है कि नहीं पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो फिर तो भाई मत ही देखना, कि नहीं समझ पसंद आएगी। अगर एक्ट्रेस पसंद है तो एक बार वेब सीरीज देख सकते हो, तब समझ में आएगा कि हाँ वेब सीरीज दमदार है। अगर एक्ट्रेस ही नहीं पसंद आई तो भाई वेब सीरीज देखने का क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आपको पसंद आ गई एक्ट्रेस तो भाई इससे बेहतरीन कोई सीरीज नहीं होगी। एक तरीके से कह सकते एकदम दमदार, पहरेदार जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई एक्ट्रेस का चेहरा बहुत मायने रखता है। ये एक्ट्रेस ज़्यादा नज़र नहीं आई इंडस्ट्रीज में, फिलहाल इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर है 3.5 लाख करीब, लेकिन भाई इसमें इनका कंटेंट मजा आ गया। भूतेश में भी काफ़ी अच्छा रहा और एक दो सीरीज रही उल्लू की, उसमें नहीं ज़्यादा फोकस मिला लेकिन इसमें बहुत फोकस दिया, तो ये एक्ट्रेस काफ़ी आगे जाने वाली है। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना। आपको कैसी लगी सीरीज जरूर बताइएगा। फिलहाल कई लोगों को ये एक्ट्रेस बहुत पसंद आ रही है, आपको कैसी लगी बताइएगा।